तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित के आठवें पाठ को पढ़ते हैं, जिसका विषय है करो मजे 10 के साथ। एक लड़की इसमें कह रही है मेरी मदद करो। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं। अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिलें खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? तभी अंकल बोलते हैं, 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तभी अंकल बोलते हैं, तुम मुझे 3 10 रुपए के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के दो। तभी बच्ची बोलती है, अच्छा अंकल। अगर फिर अंकल बोलते हैं, अरे मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिलें चाहिए? तभी वह बच्ची बोलती है, एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ हम 18 रुपए और 35 रुपए की बात कर रहे हैं और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि 18 रुपए को बनाने के लिए हमें 1 10 रुपए का नोट चाहिए और 1-1 रुपए के 8 सिक्के, और ऐसे ही 35 रुपए बनाने के लिए हमें 10 रुपए के 3 नोट चाहिए और 1-1 रुपए के 5 सिक्के। तो आइए अब इसी पर अभ्यास कार्य करते हैं। बिना अंकल की मदद से क्या तुम यह कर सकते हो? इन चीज़ों के लिए तुम्हें कितने 10 रुपए के नोट और 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए? चित्र बनाओ। तो आपको ये बताना है कि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें कितने 10 रुपए के नोट और कितने 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए होंगे। तो पहली वस्तु को देखो, 20 रुपए। तो बताइए इसमें हमें कितने नोट और सिक्के चाहिए। बीस रुपए के नोट के लिए वस्तु के लिए हमें 2 10 रुपए के नोट की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर 10 रुपए के नोट को 2 बार बना देंगे। तो ये बना दीजिए आप। अब अगला देखिए, इसमें लिखा है ये 32 रुपए की वस्तु है। तो बताइए 32 रुपए की वस्तु बनाने के लिए हम कितने नोट और सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसको बनाने के लिए हमें 3 10 रुपए के नोट की और 2 1-1 रुपए के सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी से बना दीजिए 3 नोट 10 रुपए के और 2 सिक्के 1-1 रुपए के। अब अगला करते हैं। अगला लिखा हुआ है 55 रुपए। तो बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे। हमें इसको बनाने के लिए 10 रुपए के नोट 5 की संख्या में ज़रूरत पड़ेगी और 1-1 रुपए के 5 सिक्के। तो जल्दी से बना दीजिए 10 रुपए के 5 नोट और 1-1 रुपए के 5 सिक्के। अगले प्रश्न पर आते हैं। इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे?
आपको पहला ऑलरेडी कर रखा है। 10 रुपए के 3 नोट दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब हुआ 30 रुपए। आप उसके नीचे वाले करिए बताइए कितने सिक्के हैं और वे कितने रुपए हुए। यह 10 सिक्के हुए, 1-1 रुपए के, तो ये कितने हुए रुपए? 10 रुपए। अब इसके नीचे वाला देखिए, बताइए ये कितने रुपए हुए। यहाँ पर हमें 4 नोट 10 रुपए के दिख रहे हैं और 4 सिक्के 5 सिक्के 1-1 रुपए के, तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 40। और 5 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएंगे 45, तो ये हुए 45 रुपए। अब दाएं वाला देखते हैं, बताइए पहला वाला कितने हुए। हमें इसमें 10 रुपए के 2 नोट दिख रहे हैं और 1-1 रुपए के 3 सिक्के, तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 20 और 3, तो 20 और 3 को जोड़ देंगे तो वह बन जाएंगे 23 रुपए। अब अगला देखिए, बताइए कितने रुपए हुए। बीस में अगर हम 7 सिक्के जोड़ देंगे तो वह हो जाएंगे 27 रुपए। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अभ्यास का समय। इसमें एक बच्चा बोल रहा है, मैं एक संख्या बोलूंगा, बताओ उसे 2 हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हो। तो वह बच्चा बोलता है, अच्छा तुम बताओ मैं करता हूँ। फिर वह बच्चा बोलता है 64। तो अगले बच्चे ने बोला 60 और 4। फिर वह बोलता है 25। तो अगला बच्चा जवाब देता है 20 और 5। तो फिर वह पूछता है, अच्छा बताओ कि तुम 12 को कैसे तोड़ोगे। तो वह बच्चा बोलता है, देखो 64 और 25 से तो हमें संख्याओं को तोड़ पता चलता है, लेकिन 12 इनसे अलग है, ऐसे ही 11 भी अलग है। अब आपका प्रश्न ये है कि इन्हें लिखो और जोर से पढ़ो, तो 27 को हम और कैसे लिख सकते हैं? स्थाई संख्या जो बनती है वह बनती है 20 और 7 को जोड़कर, तो 20 और 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो वह 27 बन जाएगा। अब उसके नीचे वाला देखिए, 31 को कैसे लिखेंगे। 30 और 30 में और क्या जोड़ देंगे जो 31 बन जाए? 1 लिख देंगे, 30 और 1 होता है 31। अब अगला देखिए, 54, 54 को कैसे लिखेंगे आप? 50 और 4 को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 54, तो 50 और 4 लिख दीजिए। अब अगला बताइए, 90 और 9 को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा? 99 बन जाएगा। अब अगला देखिए, 63, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं?
60 और 3 को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 63। अब अगला देखिए, 36 को कैसे लिखेंगे हम। और 6 को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 36। अब अगला देखिए, 80 और 2 को जोड़ देंगे तो बताइए क्या बनेगा। 82। अब दाएं वाला देखिए, 12 को इन लोगों ने लिखा है 10 और 2, तो बताइए 19 को कैसे लिख सकते हैं हम। 10 और 9, तो आप 10 लिख दीजिए क्योंकि 9 पहले से लिखा हुआ है। अब अगला देखिए, 11। 11 को कैसे लिखेंगे हम। 10 और 1 जोड़ के 11 बनता है। अब अगला देखिए, 10 और 7 को जोड़ देंगे तो वह कितना बन जाएगा। वह 17 बन जाएगा, तो 17 लिख दीजिए। तो अब अगले पन्ने पर आते हैं। ये एक खेल प्रक्रिया है जिसका नाम है कड़ा फेंकू। कर्मा और केसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। कर्मा ने कड़ा बिंदियों पर फेंका। हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंकों के बराबर है। हर छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है। रिंग के अंदर अंदर आने वाली बिंदियां 4 लाल और 4 हरी। तो आपको एक नीले रंग की गोल दिख रहा है, वह कड़ा है। जब उस बच्चे ने कड़ा को फेंका तो उसमें 8 बिंदियां कैद हुई, जिसमें से 4 बिंदियां लाल है और 4 बिंदियां हरी। लाल बिंदियों का मतलब है हर एक बिंदी जो लाल है वह 10 के बराबर है, और हर एक हरी बिंदी वह है 1 बिंदी के बराबर, दैट इज 1 अंक के बराबर। तो 4 बिंदी लाल वह कितने बराबर हुई, 40 संख्या के बराबर हुई। और ऐसे ही 4 हरी बिंदी किसके बराबर हुई, 4 अंक के बराबर हुई। तो हम जब 40 और 4 को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 44। इसलिए कर्मा को 44 अंक मिले। वह दोनों दो दो बार कड़ा फेंकते हैं, ये रहे उनके अंक। तो पहले चाल में कर्मा ने के अंक हुए थे 44 और गेसर के अंक हुए थे 13। तो इस प्रतिक्रिया में पहले कर्मा जीता। ऐसे ही दूसरी प्रतिक्रिया में कर्मा का जो अंक था वह है 16 और गेसर के जो अंक आए थे वो आए थे 32। तो इसलिए दूसरी प्रतिक्रिया में गेसर जीत गया। अब अगले बनने पर आ जाइए। तुम भी इस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अपनी हर फेंक पर पाए गए अंक लिखो। तो आपको एक छोटा सा कड़ा देखना है और फिर उस कड़े को इस पन्ने पर फेंकना है। उस कड़े में जितनी बिंदियां लाल और हरी आएंगी उन दोनों बिंदियों के अंक को जोड़कर आपका अंक बनेगा और आखिरी में आपको विजेता लिखना होगा। तो ये खेल आपको 6 बार खेलना है। तो आप ये खेल कर देखिए और फिर इस टेबल को भर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यह एक छोटी सी कहानी है, बांसुरी वाला और चूहे। आपको पहले चित्र में दिख रहा होगा कि कितने सारे चूहे हैं इस चित्र में। तभी दूसरे चित्र में देखिए, राजा बोलते हैं, मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो चूहों को टोकरे में पकड़े। हर चूहे पर 1 सोने का सिक्का मिलेगा। तभी तीसरे चित्र को देखिए,
एक आदमी बोलता है, मैं करूँगा। तभी राजा बोलता है, क्या बांसुरी से? तो चौथे चित्र में देखिए कि लड़का बांसुरी बजा रहा है और वह चूहे उसके आसपास घूम रहे हैं। पांचवे चित्र को देखिए, वह आदमी बोलता है, मेरा इनाम महाराज, मैंने 80 चूहों को टोकरे में पकड़ लिया है। तब राजा बोलते हैं, पर तुमने इतनी जल्दी इतने सारे चूहे कैसे गिने? अब अगले पन्ने पर आ जाइए। तो यहाँ पर वह आदमी अपनी प्रक्रिया बता रहा है कि उसने इतने सारे चूहे कैसे गिने। तो आदमी बोलता है, बहुत आसान, मैंने इन कार्डों का इस्तेमाल किया। मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा, एक अंक का एक चूहे के लिए, दो कार्ड दो चूहे के लिए। तो वह ये बता रहा है कि उसने एक अंक का कार्ड एक चूहे के लिए इस्तेमाल करा और दो चूहे के लिए उसने दो कार्ड एक एक अंक के इस्तेमाल करे। तो अब बताइए कितने चूहों के लिए, कितने कार्ड आपको दिख रहे हैं? तो वह कितने चूहों के लिए है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो खाली स्थान में आप 6 लिख देंगे, इसका मतलब वह 6 कार्ड 6 चूहों के लिए है। अब वह आदमी बोल रहा है, जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए तो मैंने उनके बदले में अपनी जेब में यह 10 अंक का पीला कार्ड रख लिया। जिसका मतलब ये हुआ कि 10 अंक का पीला कार्ड वो कैसे बना है? 5 कार्ड नीले और 5 कार्ड नीले। इसका मतलब 10 कार्ड नीले रंग के एक वाले अंक से बना है, एक कार्ड 10 का वह भी पीला। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको या उसने 17 चूहे पकड़े तो उसने एक कार्ड रखा 10 अंक का पीला वाला और बाकी के कार्ड उसने रखे 7 एक एक अंक वाले। तो आशा है कि ये आपको प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब इसी के ऊपर हम करेंगे ये अभ्यास कार्य। उसके पास जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे? अगर उसने इतना गिना, 23 अगर उसने गिना, तो 23 का मतलब हुआ कि दो कार्ड होंगे उसके पास पीले 10-10 अंक वाले, जो कि हुए 20 और बाकी के बचते हैं 3। तो वह 3 कार्ड होंगे नीले जो कि एक एक अंक वाले हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है कि 47 में कितने नीले और पीले कार्ड होंगे। तो बताइए कितने होंगे। सैतालीस के लिए होंगे 4 कार्ड होंगे 10 अंक वाले और 7 कार्ड होंगे नीले अंक वाले। तो जल्दी से बना दीजिए, 4 पीले कार्ड और 7 नीले कार्ड। अब अगला देखिए, 55। आप 55 को कैसे बनाएंगे? पचपन को हम बनाएंगे, 5 कार्ड होंगे पीले वाले और 5 कार्ड होंगे नीले वाले। पीले कार्ड होते हैं जिनका अंक लिखा है 10 और नीले कार्ड का अंक होता है 1। तो वह भी बना दीजिए,
चलते हैं अगले संख्या पर, वह है 63। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? इसमें हो जरूरत होगी हमें 6 पीले रंग के कार्ड और 3 नीले रंग के कार्ड। पीले रंग का कार्ड की आकृति है वर्ग और नीले रंग के कार्ड की आकृति है त्रिकोण। अब आ जाए अगले पर, वह है 72 संख्या। तो 72 बनाने के लिए हमें कितने कार्ड की जरूरत होगी? 72 बनाने के लिए हमें 7 पीले कार्ड की जरूरत होगी और 2 नीले कार्ड की। अब आते हैं अगली संख्या पर जिसका विषय है 80। तो 80 में हमें कितने कार्ड की जरूरत होगी? 80 में हमें 8 पीले कार्ड की जरूरत होगी। तो वह भी बना दीजिए आप जल्दी से। देखिए अगले पन्ने पर आते हैं। राजा ने इनाम में बांसुरी वाले को सोने के सिक्के दिए। जब वह बांसुरी वाला अपने सिक्के गिनता है तो उसको ये समझ में आता है कि वह कुल मिलाकर 80 सिक्के नहीं थे। तो प्रश्न आता है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ? अब कक्षा में इस कहानी का नाटक बनाओ। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ? बांसुरी वाले ने अपने सारे चूहे जो कैद किए थे वह सब राजा पे छोड़ देता है और वह बोलता है, ये लो अपने चूहों के साथ मौज उड़ाओ, जिससे राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो चलिए अब अगले पन्ने पर आते हैं जिसका विषय है स्कूल का सफाई दिवस। आज हमें अपने स्कूल की सफाई करनी है। हम टीम बनाएंगे। हर टीम में 10 बच्चे होंगे। हमारी टीम सबसे अच्छी सफाई करेगी। चलो चलो घिसो मलो। तो ये आपका स्कूल का अभ्यास कार्य है। हर कक्षा में बच्चों की संख्या इस तरह है। कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं? 53। कक्षा 2 में बच्चे हैं? 42। कक्षा 3 में बच्चे हैं? 35। कक्षा 4 में बच्चे हैं? 54। और कक्षा 5 में जो कुल मिलाकर बच्चे हैं वे हैं 26। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर कक्षा में कितनी टीमें होंगी? कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे यहाँ लिखो। तो आपको ये टेबल बनाना है और कक्षा के हिसाब से इस टेबल को भरना है कि कक्षा 1 में बताइए कितने टीमें होंगी। कक्षा 1 के जो कुल मिलाकर बच्चे हैं वे हैं 53। तो बताइए कितने टीमें होंगी? एक टीम में 10 बच्चे होने चाहिए। तो कक्षा 1 में कितनी टीमें हुई? पांच टीम हुई। और बचे हुए बच्चे कितने हुए? कितने बच्चे बच गए?
तीन बच्चे बच गए तो आप 50 लिख 5 लिख देंगे नारंगी वाले बॉक्स में, और थोड़े से भूरे वाले बॉक्स में आप लिख देंगे 3। अब कक्षा 2 पर आते हैं। कक्षा 2 में जो बच्चे हैं वे हैं 42। तो 42 बच्चों में बताइए कितनी टीमें होंगी। यहाँ पर होंगी 4 टीमें और बचे हुए बच्चे होंगे 2। आप कक्षा 3 पर आ जाइए। यहाँ पर है 35 बच्चे, तो बताइए ये कितनी टीमें होंगी। यहाँ पर होगी हमारे पास 3 टीमें और बचे हुए बच्चे कितने होंगे, 5। आप कक्षा 4 पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं वह है 54, तो बताइए कितने टीमें बन सकती हैं। इसका मतलब 5 टीमें होंगी और 4 होंगे बचे हुए बच्चे। अब कक्षा 5 का देखिए आखिरी, वहाँ की जो संख्या है बच्चों की वह है 26, तो कितनी टीम बन सकती है। दो टीम बन सकती है और जो बचे हुए बच्चे होंगे वो होंगे 6। अब प्रश्न आता है कुल कितने बच्चे किसी टीम में नहीं होंगे, तो आपको बचे हुए बच्चों को जल्दी से जोड़ देना है और बताइए कितने बच्चे टीम में नहीं होंगे। 3 और 2 और 5 और 4 और 6, तो ये कुल मिलाकर जो हुए वह हुए 20 बच्चे। और इन बच्चों से कितनी टीमें और बन सकती हैं, तो बताइए 20 बच्चों से कितनी टीमें और बन सकती हैं। बीस बच्चों में से हम 2 टीम बना सकते हैं जिसमें हर टीम में 10-10 बच्चे होंगे। अब अगला क्वेश्चन, अभ्यास का समय, तुम्हारे स्कूल में 10-10 की टीमें, पता करो तुम्हारे स्कूल की हर कक्षा में कितने बच्चे हैं। हर कक्षा में 10-10 की टीमें बनाओ, हर कक्षा में कितने बच्चे किसी टीम में नहीं हैं। जो चीज़ आपने यहाँ सीखी है यही चीज़ आपको अपने कक्षा में स्कूल में करनी है, और फिर आपको ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करनी है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।